अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब राजा तारिक आपसे मुखातब हूँ, तो बेहतर तो पंजाबी जी गल करिए। पोठी राजगान, तहसील सराय अलमगीर, जिला गुजरात। आज मैं अपने दोस्त जनाब राजा मान साहब पोठी राजगान दे माशाल्लाह बड़े मशहूर जमींदार ने, तो उन्होंने डेरे ते मैं आया वहाँ, तो सोचा कि उन्होंने गलबात करिए। पहले मैं उन्होंने थोड़ा डेरा तो दिखा लेव। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लोकेशन है, तो हुण चलते हैं नाल नाल। जनाब राजा मानस साहब भी सामने साढ़े खड़े ने, भाईजान, उन्होंने गलबात थोड़ी कराते हैं। सलाम अलैकुम राज साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। जी राज साहब, माशाल्लाह मैं थोड़ी है सब तो पहले कावज देखी है जमींदारा, मैं बहुत खुश आया। स्पैशली थूम लाया, गंढे लाए ने जनाब, और सब्जियां भी लाइया ने जनाब, तो ए नाल दको ना जनाब पट्ठे हट्ठे माल डंगर वास्ते। इस साडा एक बरानी इलाका है, और इस बरानी इलाके दे विच जनाब इतनी कावश करके इतना कुछ अर्न करना, बल्कि इतना कुछ पैदावार करना बहुत मुश्किल है। तो असं राज साहब पुछांगे, सर जी ये माशाल्लाह तुसां ये तुहाडे ज़हन किस तरह ख्याल आया है? ये मैं जी फौज रिटायर होके मैं सोचा कि हुण घर ही रहना है, तो क्यों ना कोई घर का नजरिया माश कोई अच्छा बनाने वास्ते ये कोई काम किया जाए। ये मैं मुर्गियों का फार्म है सामने तुहाडे नज़र आ रहा सी जी, तुहाडा फार्म है जनाब राज साहब चैक करने हैं। तो यह जिस वक्त माशाल्लाह तो असीं जाहिर है फौजी ज्यादा रिटायरमेंट तो बाद इंजॉयमेंट करने ने, कोशिश उन्होंने यह होंगी है जनाब कि रेस्ट करिए, पेंशन का गुजारा करिए। वेयर एज तुसीं आके बड़ा इनिशिएटिव लिया है, मैं देख रहा जनाब डेर तुहाडे डेरे ते भी जांदे आ, और तुहाडा मुर्गीखाना भी जो तुसीं बनाया। फिलहाल मेरा ख्याल मुर्गियां तुसीं लियांदे नहीं, लेकिन कम अस जिहड़ा तुसीं मुर्गीखाना बनाया उह जरूर देखांगे, तो तुसीं दिखा सकते सानू? मैं इंशाल्लाह जनाब आओ मेरे नाल। चलो जी जनाब राज साहब दा जनाब असीं मुर्गीखाना भी देख रहे हैं, तो ए नाल नाल तुसीं इंजॉयमेंट करो। बहुत ही प्यारी लोकेशन पोल्ठी राजगान दे विच, बहुत बड़े जिम्मेदार ने, तो हाल ही चूँ जनाब आर्मी चो रिटायर होए ने राजा मानस साहब, और उस तो बाद इनिशिएटिव लिया वै माशाल्लाह जी। ए जिहड़ा पानी शानी राज साहब लाया जे जी, ते पानी शानी ट्यूबवैल दा या मोटर दा? मज़ैल 2.2 दी जी लवाई है मैं, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी देंदी है। मैं 120 फुट बोर कराया माशाल्लाह, ते पानी दा इतना मतलब माशाल्लाह मैंने कोई मसला नहीं है, ते इतने रकबे च भी मैं पानी ला कोई मसला नहीं है। ए सर असी जनाब तुहाडे डेरे च असी आ गए हां, एज स्पैशली जिहड़ा इन्हां मुर्गीखाना बनाया जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब इन्हां देखो प्यार बड़ी प्यारी जनाब इन्हां छत पाई है, तैयार छतां, और बहुत ही प्यारा निज़ाम एरी निज़ाम जनाब। तीन इधर जनाब इन एरी सिस्टम बनाए ने विंडोज, ए जनाब जालीदार इन्हें जनाब पूरा सिस्टम रखे हुआ, और कमो बेश जमीन तो यह 4 फुट उच्चा है कमो बेश जड़ा इन्ना बनाया मुर्गियों वास्ते। कमो बेश मेरे ख्याल दे विच राय साहब कितनी की मुर्गी थी? मेरे ख्याल 200-250 तक जेड़ा है ना, असी 300 तक भी वैसे तो मैं मालूमात ले है कि 300 तक, पर मेरा अपना ये जहन है कि 200 तक मैं आसानी नाल ले। के प्लान के एक पल्ली पलाई मुर्गी ले का सो या अपने तुसी खुद चिकन लेने छोटे छोटे बच्चे? मैं वो 15 दिन का या 20 दिन का जो मुर्गी थोड़ी बड़े बच्चे होते हैं उन्होंने लेके आना, ताकि किस तरह ख्याल आया इतना माशाल्लाह तुसी बहुत ही प्यारा खूबसूरत, इतनी ते आम बंदा कोई ले वंगे इंसाना वास्ते नहीं बना जितनी तुसा मुर्गियां वास्ते बना ली है? ते एक आइडिया मेरे ज़हन च आया कि घर रहने दे वास्ते कुछ ना कुछ करना चाहिए, ते ए मैं अपने ज़हन दे ज़हन मतलब माशाल्लाह जी गुड लक। असीं कोशिश करांगे जनाब तुहानूं मज़ीद इन्हां दा डेरा भी दिखांदे आ, तो राज साहब बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह तुसीं इनिशिएटिव लिया है, तो हुण असीं तुहानूं जनाब इन्हां दा डेरा प्लस इन्हां दा जानवर तो फिलहाल उतने नहीं कि दस रहे कि 2 जानवर इन्हां कोल, लेकिन राज साहब ने जिहड़ा लोकेशन बनाई है जानवरों वास्ते वह काबले दीद है। स्पैशली वह जमींदार जिहड़े कि साडे इलाके दे विच, क्योंकि बरानी इलाका है इत्थे पट्ठा पूरा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और जानवरों की लुक आफ्टर करने वास्ते जनाब ये बहुत मुश्किल है, और स्पैशली वह बंदे जिहड़े कि पेंशनर ने रिटायर हो जाते हैं बुढ़े हो जाते हैं वह इनिशिएटिव नहीं लेंदे, लेकिन राजा साहब ने यह बहुत ही बड़ा जनाब हालांकि ओल्ड एज ने इनिशिएटिव लैके सानू इस चीज़ का हिम्मत दी है कि कोई भी बंदा
कोई भी टाइम किसी भी टाइम कोई भी काम कर सकता है। यानी कि थोड़े हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए है, और काम सारे अल्लाह पाक थोड़े बना दिंदा। राय साहब सानू पहले सब तो पहले दसो उस सामने के वाइट चीज नज़र आ रही है वो ये वाटर टैंक बनाया है मैं तकरीबन जो है ना ये 10 फुट लंबा और 6 फुट हाइट है इसकी। ठीक है, चौड़ाई भी इसकी तकरीबन 7 फुट है। तुम दस रहे हो कि पानी तकरीबन 120 फुट है। हाँ जी, ये चढ़ाई नहीं वजह तू है ये तुसी वैसे जान बुझ के इतना पर वैसे 65 फुट 70 फुट ते पानी आ गया सी। ठीक है, ते मैं इसनू ज्यादा तां लै गया कि अक्सर लोग कहंदे ने कि मतलब गर्मियां जदों आंदियां ते पानी कम हो जांदा, दूसरा फिल्टर लोग कम पांदे ने 10 फुट या 20 फुट, मैं 40 फुट फिल्टर खाली पाया जेड़ा पानी दी तह विच मतलब इतना ज्यादा खर्चा ये नहीं तुसा कीता जस्ट एक शौक दी खातिर। शौक दी खातिर देख लो राज साहब जी, ये पानी इतने बड़ा कहने बड़ा शो पानी है भी ज्यादा है, लेकिन इन्होंने ओवर इंश्योर किया इस चीज़ को ताकि किसी वक्त भी पानी की कमी इन्हों फील ना हो, क्योंकि साड़ा बरानी इलाका है, पानी जरा घट आता, बारिशें घट होंदिया ने। तो राज साहब ने उसने मद्देनज़र रखते हैं जनाब ए नमजैल मोटर लाई जी, 2.2 मोटर है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी देती है, 2.2 जी। हाँ मजाइल मोटर है और बहुत ही अच्छा। जी जनाब देखो कितना प्यारा जनाब मौसम है, पोठी राजगान दे तुहानू जनाब असी दिखा रहे हैं, सूरज भी नज़र आ रहा है और बड़ा प्यारा शाम का सुहाना सुहाना मौसम है। तो राज साहब नूं असीं गुजारिश करांगे जनाब कि सानू जरा तुसीं डेरा भी दिखाओ स्पैशली जिथे तुसीं मझां रखियां। देखो जी बड़ा एरी दा निज़ाम बनाया, बाहर देखो वेली देखो जनाब, ए सैपरेट जनाब इन्हें गेट लाया, मूरियां दा लहदा सिस्टम बनाया, जानवरों का लहदा जनाब। ये मज जनाब ए पिछे तो कट्टी कट्टा है। कट्टा। अच्छा माशाल्लाह। ये माशाल्लाह 2 साल जनाब ली इसनू हो गए ने सोए हैं। ते दोबारा हुन गबण है। दोबारा गबण है। कितना ते अरसा होया इस? तकरीबन 4 महीना जा रहा है। माशाल्लाह ते कितने महीने मिली है? ये 2 साल मिली है, हुन तक मिलदी रही। हुन टाइम भी इस टाइम तो दे रही है। इस टाइम भी मतलब एक टाइम देंदी है। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे जनाब। देखो राज साहब जी बहुत ही प्यारी लोकेशन, इन्ना जो जानवर रखे ने तकरीबन 2 ही ने, लेकिन जगह इन्ना को कम अकम इस टाइम 18-19 जानवर जोड़े ने ईजीली इतने संभा सकते हैं। तो राज साहब अगे थोड़ा लाइट ऑन कर सो। अच्छा जी माशाल्लाह जी, देखो छोटे जे कम अज़ कम कनाल का रकबा है वाला जो जिते मझा वास्ते बनाया, तो 10 किज मरले बाल जो तो जो बहर काश्तकारी वास्ते रखे वो तो माशाल्लाह रकबा बहुत है, तकरीबन 1 विघा। ठीक है ठीक है माशाल्लाह। देखो जी पट्ठिया वास्ते जनाब अंदर इंतजाम और बकायदा छत थले, ताकि किसी वक्त कोई बिजली वगैरह इनकी शार्ट भी हो सकती है, इनके इस बार मोटर वगैरह बड़ा इन्हें निज़ाम अच्छा बनाया हुआ। ओके बंदा खेंदा रखे सर खुद काम कर रहे हो? नहीं खुद काम कर। बड़ी हिम्मत है सर तुहाड़ी माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुहानू मजीद सलामत रखे हैप्पी हैप्पी रखे जनाब। इस तो अलावा ए राज साहब अगे जनाब इन्हां दा अगे जानवरों का बन्नण दा खुल्लियां समेत सिस्टम बनाया, तो रंधेरा थोड़ा जिहा, लेकिन है कि पूरा बहुत ही पुरसकून, इवन कि कोई जानवर रखणगे तो जानवर इत्थे बड़ा हैप्पी रहा सी कम अज़ कम। माशाल्लाह जनाब बहुत खुशी हुई है राज साहब। कोई अपने तुसी स्पेशल जेड़े जितने जमींदार ने जेड़े ओ जमींदार जेड़े के सोल ने मेरे यार काम नहीं करना चाहते बेलियां पे, उन्होंने क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं उन्होंने कहूंगा कि हुण जो मौजूदा हालात जा रहे माशी हालात वो सब तो बेहतर है कि जिसने कोई रकबा थोड़ा बहुत भी है वो अपना रकबा जो है ना वो बात करे और बीजे अपने घर के बच्चे अपने आप को थोड़ा बहुत मसरूफ रखे, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर इनिशिएटिव लेना पैंदा है, नीयत करनी पैंदी है। बिल्कुल असल चीज़ है नीयत कर लो, हिम्मत करो, बाकी अल्लाह पाक उसे बरकत देता है। जनाब राज साहब तुहाड़े नाल मुलाकात करके बहुत खुशी हुई और स्पैशली पैगाम जो तुसां दित्ता है जमींदारां वास्ते वह भी बड़ा इंप्रेसिव है, तो साड़ी भी तमाम जमींदारों जितने इलाके के लोग इन्होंने एक सब तो पहले कि असी जनाब मानस साहब न अप्रीशिएट करते हैं और बाकी लोग असी इन्हों तो एज एग्जाम्पल तुम इन्हों तो लै सकते हो और गुजारिश है कि महंगाई के दौर में स्पैशली जो दौर जा रहा है वो
हर बंदा कोई ना कोई छोटा मोटा काम करे तो मेरे ख्याल असं इस जितनी मुश्किल है इसको कवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर राजा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तुसी और सलाम करना चाहो तो जनाब मेरी तरफों राजा मान साहब तरफों तमाम जितने भी सुनने वाले ने सब सलाम अलैकुम।